हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। मैं अविनाश कुमार, आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। बच्चों, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर है जो एक्सरसाइज, और साथ में एक्सरसाइज 4.4 का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके पहले वीडियो में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से, सॉरी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले नेचर ऑफ रूट्स का कंडीशन देख लेते हैं। तो सपोज लीजिए कि कोई एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, इस फॉर्म में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप कंडीशन पढ़े हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्या पढ़े हैं आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और यह डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो या तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कंडीशन लेके चलोगे या तो डी लेके चलोगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है बच्चों, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो फर्स्ट केज में इफ डी डी इजकल टू जीरो क्या हो गया, अगर आप डी का वैल्यू निकाल रहे हैं वह जीरो हो गया, डैट मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू अगर जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, मीन्स जो रूट्स लिख लेंगे वो क्या होंगे, देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब दो हमें इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे, कब, जब डी इजकल टू जीरो होगा। तो पहले सबसे पहले डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकाल लेना। सेकेंड कंडीशन में इफ डी ग्रेटर जीरो क्या हो रहा है, डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो रहा है, जैसे डी का वैल्यू 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आए, पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, डैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, तो इस केज में, देन इस केज में टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में तो समझते हैं अलग अलग, ठीक है, दो डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट हो गया। तीसरा नंबर समझेंगे इफ डी लेस देन जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो से कम आ गया, जैसे नेगेटिव वैल्यू आ गया डी का वैल्यू, डैट इज ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से कम आ गया, तो इस केज में हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब इसका ये भी बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान लिखा हुआ है देन टू इक्वल रियल रूट्स है, तो हम टू इक्वल रूट्स को हम लोग क्वांसाइड रूट भी कहते हैं, क्वांसीडेंट रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी कहीं बोले क्वांसीडेंट रूट्स बोल देगा, टर्म दे देगा, तो आप उसको केयर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4, कौन सा 4.4। देखिए 4.4 में आप क्वेश्चन पहले देखिए क्या दिया हुआ है, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रीड करिए क्वेश्चन को और देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बच्चों, पहले सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवेन है, सबसे पहले नेचर पता करना है
और उसके बाद अगर रियल रूट्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका रूट्स भी निकालना है। ओके चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है आप लिख लीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0, ये क्वेश्चन गिवेन है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें a निकाल लेते हैं। a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 3, और c कितना हो जाएगा 5। चलो ये सब लिख लिए। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल होता है, कोफिशेंट होता है, वो a भी मिलता है, और x के साथ जो होगा साइन के साथ लिखना, और जो कॉन्स्टेंट अब तो देख ही रहे हो सी 5। ठीक है चलो, तो सबसे पहले नेचर पता करने के लिए हमें क्या निकालना है, डी। तो डी इजकल टू क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, डैट इज ए, इसका वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू कितना देना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, और सी का वैल्यू कितना देना है 5 देना है। ओके चलिए, अब इसको माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 9 आएगा, और माइनस कितना हो गया 40 हो गया, देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इसमें, तो माइनस हो गया 31, कितना हो गया माइनस 31 हो गया। अब ये माइनस 31 है, डी का वैल्यू माइनस 31 आया है, तो क्या है, डी का वैल्यू 0 से क्या है लेस है, डी का वैल्यू 0 से लेस है। ओके तो बताइए, जब अब 0 से लेस होती थी कंडीशन, अभी आपने पढ़ा है कि जब डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम होता है तो इसका नेचर कैसे हो, इसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, तो लिखेंगे सबसे द रियल रूट्स, द रियल रूट्स नोट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, नोट एग्जिस्ट। ठीक है, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला नंबर के यही नेचर रूट, नेचर ऑफ रूट्स पता हो गया, अब इसका हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। ओके आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन से, क्लियर होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, वी हैव, चलिए ए का वैल्यू बताओ, ए कितना हो गया 3, देखिए ए का वैल्यू 3 हो गया, बी कितना हो गया माइनस 4√3, और सी कितना हो गया बच्चों, सी हो गया 4। क्लियर दिखाई दे रही है, ओके तो पहले सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, तो डी इजकल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, जैसे जैसे दिया हुआ है वैल्यू उसको रख के पुट कर लेंगे हम लोग, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4 है। चलो इसको सोल्व करो, देखो यहाँ ध्यान देना, माइनस को पहले स्क्वायर करो तो प्लस में आएगा, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 3 हो जाएगा, ये देखो 4 3 12 और 4 48 हो गया। बताइए 48 में से 48 घट गया तो क्या मिला, 0 मिला। अब हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या मिला, 0 मिल गया, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो नाउ रूट्स जो निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप पढ़े हुए हैं, नाउ रूट्स जो निकालते हैं, डैट मीन्स एक्स का वैल्यू एक्स इजकल टू कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। अलग अलग प्लस अलग भी लिख सकते हैं, माइनस अलग भी लिख सकते हैं। चलिए लिख के उसके बाद लास्ट में हम लोग प्लस माइनस को अलग कर लेंगे, तो माइनस बी, तो बी कितना है आपका, तो देखिए माइनस में है और पहले से ही माइनस में है, तो माइनस और माइनस 4√3 पहले लिख लो, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना था 0 दे दो, बाई में क्या लिख लो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है तेरे पास 3, समझ रहे हैं, गुड। चलिए कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 4√3 और यहाँ प्लस माइनस कितना हो गया 0, बाई क्या बोलेंगे 6 हो गया ना।
चलिए, तो यहाँ से दो रूट्स मिला और दोनों इक्वल ही मिलेगा, तो 4√3/6 प्लस 0, और एक कौन लेंगे 4√3 − 0/6। ठीक है, दो रूट्स यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए तो इसको कैसे कर लेंगे हम लोग, डैट इज यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका, एक हो गया 4√3/6 और दूसरा भी क्या हो गया 4√3/6। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, कितना टाइम में कटेगा, 2 से कटेगा, 2 जा और 3 जा, और देखिए रूट 3 से 3 कट गया रूट 3 टाइम में, ये भी वैसा ही कटेगा 2 3, और रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो फाइनली आपका कितना आ गया x का वैल्यू 2/√3 और 2/√3, ये दो इक्वल रूट्स आया, जो कि कंडीशन में भी था d का वैल्यू 0 आ रहा था, तो हेंस रूट्स आ गया आपका, हेंस रूट्स आर कौन कौन हो गया 2/√3 लिख लीजिए और 2/√3। तो यू होप ये सब सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसमें क्या है, थर्ड नंबर आपका है 2x²−6x+3 = 0। ठीक है, चलो यहाँ लिखो, यह a इजकल टू कितना है 2 है, b इजकल टू −6 है और c इजकल टू कितना है 3 है। तो सबसे पहले d निकाल लो बच्चों, d इजकल टू क्या हो जाएगा b²−4ac, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा −6²−4 × 2 × 3, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 36 हो गया, और माइनस देखो तो 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा तो कितना मिलेगा 2 और 1, 12 मिल गया। ठीक है, 12, डी का वैल्यू 12 आ गया, डैट मीन्स इसका डी का वैल्यू 0 से क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेगा ना, हेंस रियल रूट्स एग्जिस्ट, मीन्स इसके रूट्स लिख लेंगे। ठीक है, और रूट्स कैसे निकाला जाएगा, तो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो रूट्स इजकल टू मैट, डेट मीन्स एक्स इजकल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला, आपको पता है −b± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है माइनस और माइनस सिक्स लिख दो, प्लस माइनस रूट अंडर कितना लिखो 12 बाई कितना 2 × 2। ठीक है, लिख दिया ना, गुड। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12/4 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रूट 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ± 2√3/4। 2 कैसे किया, देखिए यहाँ पर फैक्टर 12 को फैक्टर करोगे तो आता है 2 × 2 × 3, तो एक 2 बाहर निकल गया इसलिए 2√3 लिख दिया। तो यहाँ से अब सोल्व करोगे तो एक और कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो 3 ± √3/4 और 2 कॉमन कर लो, इसी से कट गया, डेट इज यहाँ से आपका 3 ± √3/2 हो गया। तो ये यहाँ दो रूट्स निकल गया और ये माइनस भी नहीं होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 2 distinct roots आर कौन कौन हो जाएगा 3 + √3/2, एक ये हो गया और एक हो गया 3 − √3/2, ये हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए ऑलरेडी यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद k का वैल्यू निकालना है बच्चों, k का वैल्यू निकालना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या क्या दे रहा है, 2 इक्वल रूट्स दे रहा है, 2 इक्वल रूट्स है। तो सबसे पहले पता है कि कंडीशन क्या है 2 इक्वल रूट्स का, तो डी इजकल टू 0 पर रख के हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, गिवन इक्वेशन क्या है,
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इजकल टू 0, ये दिया हुआ बच्चों। चलो यहाँ से सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लो, a कितना हो गया 2 और b कितना हो गया k हो गया और c कितना हो गया 3 हो गया, समझ गए। कंडीशन क्या कह रहा है, वी हैव टू इक्वल रूट्स, क्या कह रहा है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इक्वल रूट्स रख रहा है, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन d इजकल टू क्या बोल सकते हैं 0, जब इक्वल रूट्स है तो d का वैल्यू 0 होगा ना, ठीक है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस सी इजकल टू 0। अब यहाँ से रख के हम लोग सोल्व कर लेंगे, b का वैल्यू कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 इजकल टू 0 लिख लो, तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 24 इजकल टू 0 लिखो, ठीक है। तो यहाँ से दो फैक्टर मिलेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देना है, तो कैसे लिखो, या तो के स्क्वायर इजकल टू 24 लिखो, और यहाँ से के का दो वैल्यू मिला, एक क्या मिला प्लस माइनस रूट अंडर 24, ठीक है। और रूट 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका फैक्टर कर लोगे 24 को तो क्या मिलेगा 2 12 2 2 2 3, तो 2√6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के का वैल्यू क्या हो गया, हेंस वैल्यू ऑफ के इज क्या हो जाएगा, एक 2√6 हो जाएगा एंड एक क्या हो जाएगा -2√6, ये दोनों वैल्यू आपका के का आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में है, सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, क्वाड्रेटिक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, तो इससे इंटू कर लो, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, के एक्स में 2 से गुना करेंगे, इतना हो गया प्लस 6 इजकल टू 0। चलो तो वी हैव ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू यहाँ पर के है, बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2 के, समझ में आ रही है, और सी का वैल्यू कितना 6 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 4 इक्वल रूट्स के लिए डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, डैट इज ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब वैल्यू दे दीजिए, बी के जगह पे माइनस 2k लिखा हुआ है, माइनस 2k का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k और c का वैल्यू कितना बचो 6 लिख दीजिए, इक्वल टू क्या कर दो 0। चलो इसको सोल्व करो, इसको भले बोला था कि माइनस के स्क्वायर का तो प्लस में आएगा, तो प्लस 4k स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया 24k इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट टर्म गायब है, तो नॉर्मली इसको पहले कॉमन कर लो, तो 4k कॉमन हो गया, तो k माइनस 6 बचा इजकल टू 0। तो यहाँ से आपको एक 4k इजकल टू 0 मिला और एक k माइनस 6 बराबर 0 मिला, तो यहाँ से k इजकल टू क्या लिखोगे 0/4। तो कोई भी नंबर में 4 नंबर कोई भी नंबर से जब 0 में डिवाइड करते हो तो k का वैल्यू क्या 0 मिला, तो पहला k का वैल्यू 0 मिला, और यहाँ से दूसरा k का वैल्यू 6 मिला। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि सपोज डैट अगर k का वैल्यू 0 हो जाएगा, k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो हेंस के का वैल्यू क्या होगा, हेंस वैल्यू ऑफ ए नहीं होगा, हेंस वैल्यू ऑफ के इज क्या हो जाएगा 6। जब के का वैल्यू 6 लेंगे तो यह इक्वल रूट्स हमें दे देगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए हो, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। और हमारे चैनल पर इसी तरह के आपका कोर्स बुक कंप्लीट कराया जाता है, तो हमारे चैनल से जुटे रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।